गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएबीएड सेकंड बीबीएड थर्ड क्लास में आपका वेलकम है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, वो है हमारा, पहले हमने किया था बाबर और उसकी विजय, आज हम करेंगे हमारा और उसका जो संघर्ष और उसकी असफलता के क्या कारण थे। क्योंकि हुमायूं ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया था, परंतु अंत में उसको असफलता का सामना या निराशा का सामना करना पड़ा था। तो सबसे पहले जैसे कि जानते हैं कि 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था, उसका क्या नाम था, हुमायूं मुगल राजगद्दी पर बैठा था। वो एक वीर साहसी होने पर भी एंड में उसको असफलता का सामना करना पड़ा था, जो जिसमें उसके जो कई चरित्रिक दोष भी हम उसमें शामिल करते हैं। तो जब बाबर की मृत्यु हुई थी, उस समय तक बाबर ने काफी ज्यादा अफगान शक्ति को उछल दिया था, अफगानों की शक्ति का अंत कर दिया था। फिर भी कुछ बची बची अफगान शक्ति पड़ी थी, अफगान राजा थे जिनके साथ हुमायूं को संघर्ष करना पड़ा था। तो हुमायूं के समय जो ऐसे दो अफगान शासक थे जिनके साथ हुमायूं का युद्ध हुआ था, वो था, एक तो था मालवा गुजरात का शासक था बहादुर शाह, और दूसरा था बंगाल और बिहार का शासक शेर खान। इन दो अफगान शासकों के साथ हुमायूं को युद्ध करना पड़ा, जिनमें क्या था, पहले हुमायूं विजय प्राप्त करता था और अंत में उसके चरित्रिक दोषों के कारण उसको दोनों ही युद्धों में या दोनों ही शासकों के विरुद्ध असफलता या निराशा का सामना करना पड़ा था। तो फर्स्ट हम करते हैं जो हुमायूं का बहादुर शाह के साथ संघर्ष। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हुमायूं का बहादुर शाह के साथ संघर्ष। तो इन दोनों में पहले जो हुमायूं का टकराव किसके साथ हुआ था, मालवा और गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ। इनके संघर्ष के कई कारण थे, जैसे कि सबसे पहला कारण क्या था, जो शासक था बहादुर शाह था, वो वास्तविक में अफगानों की राजसत्ता स्थापित करना चाहता था, और दूसरी तरफ जो हुमायूं था वो भारत में किस राजसत्ता को स्थापित करना चाहता था, मुगल राजसत्ता को। तो दोनों के बीच राजसत्ता को लेकर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दूसरा कारण यह था कि जो गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह का पुत्र था बहादुर शाह, वो एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था, जिसके कारण जो उसने बहादुर शाह ने खानदेश अहमदनगर और गुजरात के शासक उसके अधीनता से निकाल करते थे। इसी के अलावा जो चित्तौड़ के पड़ोसी राज्य पर भी उसका जो अधिकार हो चुका था बहादुर शाह का, और अब वो दिल्ली पर अपना अधिकार, इसके अलावा आगरा पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। तो इसके इस बढ़ते हुए प्रभाव से जो हुमायूं का साम्राज्य था उसके लिए ये चिंता का विषय बनता जा रहा था, इसलिए उसकी शक्ति को कुचलना हुमायूं के लिए अनिवार्य बन गया था। इसके अलावा जो बहादुर शाह था, उसने हुमायूं के जो विरोधी दुश्मन थे, जैसे मोहम्मद जमान, मिर्जा ततार खान, आलम खान लोदी, इन लोगों को शरण देनी शुरू कर दी थी। इसी के अलावा उसने उसके जो हुमायूं के अन्य दुश्मन था बिहार और बंगाल का शासक शेर खान, उससे भी पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया था। तो जिसके कारण जो हुमायूं का उसमें क्रोध की भावना उत्पन्न होगी, तो दोनों के बीच टकराव या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ये तो थे संघर्ष के कारण क्या थे। अब हम पढ़ेंगे कि हुमायूं और बहादुर शाह के बीच कौन कौन से इलाकों पर लड़ाइयां या युद्ध लड़े गए और किन पर उन्होंने का अधिकार हुआ था। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं रायसेन और सहारनपुर पर अधिकार। के सबसे पहले जो मुगल सेना थी, हुमायूं की सेना थी, उसने रायसेन तथा सहारनपुर पर अधिकार कर लिया था। ये अधिकार किया था हमने फरवरी 1535 में। जब उन्होंने यह अधिकार कर लिया रायसेन पर, तो जो बहादुर शाह की सेना थी, तो वो भी मुगलों का टकराव करने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने युद्ध को टालने के लिए जो बहादुर शाह था, उन्होंने पूर्व रायसेन को मुगलों के हवाले कर दिया। कि जब रायसेन पर मुगलों का अधिकार हो गया, तो मुगलों का उत्साह बढ़ गया,
भाई मानकर वो उसको राखी भेजती है कि भाई मेरी सहायता करो और मेरे को बहादुर शाह के चंदन से छुड़वा लो। परंतु हुमायूं क्या था, उसने रानी कर्णावती की बात नहीं मानता और वो क्या करता है, वो समझता है कि एक काफिर का था, किनको बोलता था वो राणा मेवाड़ की रानी कर्णावती को, क्योंकि वो राजपूत थे, तो वो समझता है कि काफिर के खिलाफ एक मुस्लिम शासक के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अगर वो शायद उस समय रानी कर्णावती की सहायता कर देता तो उसी समय ही वो बहादुर शाह की शक्ति को कुचल सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसके बाद नेक्स्ट है मंदसौर तथा मानवगढ़ मुगल अधिकार। उसके बाद जो बहादुर शाह अभी भी चाहे सहारनपुर पर सहारनपुर के जब अधिकार किया था मुगल सेना ने, उस समय हुमायूं ने बहादुर शाह के साथ कोई संघर्ष नहीं किया था और जो बहादुर शाह था वहां से मंदसौर आ गया था, तो मुगल सेना उनका पीछा करते हुए मंदसौर आ गई थी, क्योंकि मंदसौर में भी अभी जो बहादुर शाह था उसकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं हुई थी कि वो मुगलों के साथ संघर्ष कर सके, तो इसलिए वो उसने मंदसौर के दुर्ग में वो चला जाता है, जो मुगल सेना है दुर्ग में उसका पीछा करती है। तो वो क्या करता है, एक तोपची था रूमी खां, क्या था तोपची का नाम रूमी खां, उनकी सहायता लेकर वहां से मांडू चला जाता है और मांडू में भी जो मुगल सेना है उसका पीछा करती है। जब बहादुर शाह को इसका पता चलता है कि मुगल सेना उसके पीछे आ रही है तो वो मांडू छोड़कर चंपानेर चला जाता है, कहने के सॉरी चंपानेर नहीं कहने की तरफ चला जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कहने तक बहादुर शाह का पीछा करना। तो जो मुगल सैनिक थे या हमारी की सेना थी उन्होंने मांडू के बाद कहने तक बहादुर शाह का पीछा निरंतर किया था। अभी भी जो बहादुर शाह था वो हमायों का सामना या टकराव करने की स्थिति में नहीं था, तो वो कैंबे की ओर से प्रस्थान करता है, तो वो कैंबे तक जाता है, तो हमारी की सेना उसका पीछा कर रही होती है, तो बहादुर शाह क्या करता है अपने 100 जहाजों के बेड़े को नष्ट करके वो एक दीप द्यू में चला जाता है। यहाँ फिर हमारी एक बहुत बड़ी भूल करता है, गलती करता है, उसे चाहिए था कि वो उस द्वीप पर हमला करके उसकी बहादुर शाह की शक्ति को नष्ट कर दे, परंतु वो ऐसा नहीं करता है, बहादुर शाह की तरफ से युद्ध की प्रतीक्षा करता है, परंतु ये भी जो हमारी की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। नेक्स्ट आता है चंपानेर पर मुगल अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चंपानेर पर मुगल अधिकार। और उसके बाद क्या है, जो हमायूं का चंपानेर पर मुगल अधिकार है, मुगलों का अधिकार, जो चंपानेर का जो हमायूं मुगलों का अधिकार कर लेते हैं, और उस दिनों में जो चंपानेर के जो दुर्ग था उसकी रखवाली कर रहा था एक सरदार था, अफगान सरदार इख्तियार खान। कौन था, इख्तियार कर रहा था, परंतु उसने बड़ी बहादुरी से मुगल सेना का मुकाबला करता है, परंतु चार मास के घेरे के पश्चात मुगल सेना को दुर्ग में प्रवेश कर जाती है, और ये 29 समय की घटना थी, 19 जुलाई 1536 को जो मुगल सेना है उसका चंपानेर पर अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं अहमदनगर पर अधिकार और शासन प्रबंध। जब हमायूं क्या उसको चंपानेर पर अधिकार करता है तो उसको अत्यधिक धमकी प्राप्ति और गोरंग रंगियों में व्यस्त हो जाता है, ये उसके चरित्र की सबसे बड़ी कमी थी। तो जब वो हमायूं चंपानेर की रंगरलियों में व्यस्त होता है तो दूसरी तरफ जो बहादुर शाह वो अपनी शक्ति को बढ़ा लेता है, और जो बहादुर शाह का एक स्वामी भक्त सेनापति था उसका नाम था इमाम उल मुल्क। क्या नाम था, इमाम उल मुल्क। तो वो क्या करता है, 30,000 की अफगान सेना इकट्ठी कर लेता है और अहमदनगर पर अधिकार कर लेता है। जब जो मुगल बादशाह था हमारी चंपानेर में रंग रलियों में व्यस्त था, तो दूसरी तरफ जो था इमाम उल मुल्क जो एक अफगान सरदार सेनापति था वो क्या
मंगावा प्यार की तरफ पूज कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत श्याम का महापत्र गुजरात पर पुनर्अधिकार करना। जब हुमायूं अहमदनगर को अस्त्री के हवाले छोड़कर चला जाता है तो अस्त्री एक निकम्मा और अयोग्य शासक साबित होता है। वो अहमदनगर की अच्छी तरह से उसका ध्यान नहीं रखता था, उसकी संभाल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जो अस्त्री था वो अहमदनगर की बजाय आगरा पर अधिकार करने की इच्छा रखने लगता है। उसी समय जो बहादुर शाह की शक्ति को हुमायूं ने नष्ट किया हुआ था यहाँ तो वो दोबारा अपनी शक्ति मजबूत करने लगता है। धीरे धीरे वो कैंबे पर अधिकार कर लेता है, सूरत पर अधिकार कर लेता है, बड़ौच पर, और इसी के साथ ही वो अपने स्वामी स्वामी भक्त सरदारों की सहायता से अहमदनगर, पटन, गुजरात तथा मालवा के अन्य भागों पर भी बहादुर शाह अपना अधिकार कर लेता है। इस तरह जो बहादुर शाह मालवा तथा गुजरात में दोबारा पुनः अपनी शक्ति प्राप्त कर लेता है। इस तरह जो इलाका या जो विजय हुमायूं ने जितनी शीघ्रता से प्राप्त की थी उतनी ही शीघ्रता से उनके राज्य का पतन होने लगा था। तो ये तो था हुमायूं का बहादुर शाह के साथ संघर्ष, कि कैसे उन्होंने एक एक करके इन राज्यों या इन दुर्गों पर अधिकार किया था, और अहमद बहादुर शाह फिर दोबारा कैसे इन्हीं पर अपना